हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप? आशा करते हैं कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो ये देखिए कितना यमी पराठा और ये कितनी यमी चटनी मैं आपके लिए लेके आई हूँ। ये व्रत के लिए बहुत बहुत टेस्टी और स्पेशल है। तो चलो इसकी हम रेसिपी जान लेते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने ले लिया है आलू। ये मैंने एक आलू लिया है बड़े साइज़ का, और ये साबूदाना मैंने शाम को भिगो दिया था एक दिन पहले। ये मीडियम साइज़ वाला साबूदाना है, इसको मैंने भिगो दिया था। ये अच्छे से फूल गए तो हम एक मिक्सी जार लेंगे और उसमें जो मैंने काट के रखे हैं आलू अपने छोटे छोटे पीस में, उसको डाल देंगे। और जो हमारा ये साबूदाना है ना, जिसको हमने भिगो के रखा है, ये भी सारा इसमें डाल देंगे। ये देखिए मैंने डाल दिया, और इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी दोस्तों ज़्यादा नहीं डालना है। और इसमें मैंने सेंधा नमक डाला है, वो नमक व्रत वाला होता है ना, उसको हम सेंधा नमक बोलते हैं। वो मैंने इसमें एक चम्मच डाल दिया है। दो मैंने मिर्ची डाल दिए हैं, और इनको हमको पेस्ट के उसमें तैयार कर लें। तो ये देखिए मेरा पेस्ट तैयार हो गया है। ये अब हम इसको एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। तो इसके खाने के लिए चटपटी चटनी बनानी है ना, तो उसके लिए मैंने ये मूंगफली भूंज के ले लिया था, और इसमें मैंने दो हरी मिर्च काट के डाल दिया है। और इसमें हम डालेंगे पानी, थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें, और इसको भी हम अच्छे से पीस लेंगे। सेंधा नमक डालकर इसको भी हम अच्छे से पीस लेंगे। ये मैंने कितना बढ़िया बढ़िया चटनी मेरी ये पीसकर तैयार हो गई है। तो और इसमें हम अब लगा देंगे तड़का, ताकि हमारी चटनी खाने में अच्छी लगे। तो इसको हम एक कटोरी में डाल लेंगे, ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये देखिए मैंने एक कटोरी ली है, और ये चटनी मैं अपनी एक कटोरी में डाल रही हूँ। अब हमने एक फ्राई करने के लिए एक पैन चढ़ाया, उसमें मैंने थोड़ा देसी घी डाल दिया था, उसमें मैंने डाला थोड़ा सा जीरा एक चम्मच, और ये हमारा जीरा चटक गया। अब इसको भी हम अपनी चटनी के ऊपर डाल देंगे। तो ये देखिए मेरी चटनी एकदम रेडी हो गई है दोस्तों। अब हम अपना ये बनाते हैं इसका पराठा, चिल्ला, जो भी आप इसको बोलना है आप बोल सकते हैं। तो एक मैंने पैन लिया है, पैन में हमने तेल वेल कुछ भी नहीं लगाया दोस्तों। ये दो बूंद तेल में बनकर एकदम से पराठा रेडी हो जाता है, और मैंने डाल दिया। अब इधर से किनारे से चारों तरफ से मैं थोड़ा थोड़ा एकदम से एक ही चम्मच इसमें मैंने तेल डाला, बस इधर उधर से थोड़ा थोड़ा तेल डाल देते हैं, और एकदम लो फ्लेम पर इसको धीरे धीरे पकने देते हैं। तो ये देखिए कितना बढ़िया मेरा पराठा एकदम से सिक रहा है, और ये एक तरफ का एकदम सिक कर रेडी हो गया। ये देखिए मैंने पलट दिया इसको, और ये देखिए कितना बढ़िया सिक कर एकदम से रेडी होगा। इसको दबा दबा कर ऐसे ही एकदम से तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए मेरा पराठा और चटनी बनकर रेडी हो गई। इसको व्रत में एक बार खा लो, दिन भर खा, इसको खाने के बाद भूख बिल्कुल नहीं लगती है। तो फिर मैं मिलूंगी आपको दूसरे चटपटे नाश्ते के साथ। तब तक के लिए बब